हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के इतिहास विभाग से। आज मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 5 का DSC 2 का जो आपका पेपर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही या राष्ट्र को बनाने में उन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया। पहले भी मैंने कई ऐसी महिलाओं के बारे में बता चुकी हूँ, आज फिर मैं एक ऐसी ही महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी शख्सियत असाधारण थी। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सरला देवी। सरला देवी एक असाधारण प्रतिभा की महिला थी। वह सच्ची देशभक्त थी। उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह एक प्रख्यात लेखिका भी थी। वह एक राष्ट्रवादी गायिका थी, साथ ही एक महान समाज सुधारक और एक राजनीतिक नेता भी थी। वह ब्रिटिश सरकार से भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए ही राजनीति में आई थी। वह बंगाल की राजनीति में जिस तरह से उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया है, वह भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इसके अलावा न सिर्फ बंगाल में ही बल्कि भारत के कई अन्य हिस्सों में भी उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए जो अपना योगदान दिया है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सरला देवी ने स्वदेशी आंदोलन में, बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस समय उन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह बंगाल के युवाओं को वीर सैनिकों के रूप में देखती थीं और उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरने के लिए अपने गीतों के द्वारा उनमें नया जोश भरती थी। संगीत उन्हें ईश्वर की तरफ से एक अनुपम उपहार था। वह एक राष्ट्रवादी गायिका भी थी। संगीत के कारण ही भारत की राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। भारत की राजनीति में आने के बाद उन्होंने कई राष्ट्रीय गीतों को लिखा जो पूरी तरह से देशव्यापी हुआ और भारत के लोगों के मन में देश को आज़ाद कराने के लिए भावनाओं ने, उनकी गीतों ने उनकी भावनाओं को उकसाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब वंदे मातरम की रचना की, वंदे मातरम की संगीत को बनाया, तब पहली दो पंक्तियों की धुन तो उन्होंने ही तैयार की, परंतु आगे की जो धुन थी वह सरला देवी ने तैयार कर प्रस्तुत की और कांग्रेस के बनारस के सत्र में उन्होंने इस गीत को गाया और इस गीत को राष्ट्रव्यापी बनाया। वंदे मातरम गीत आत्मा को झकझोर देने वाला गीत था और यह एक अब राष्ट्रव्यापी गीत बन गया था और आगे चलकर इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में भी मान्यता मिली। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सरला देवी ने एक महान समाज सुधारिका के रूप में भी अपना योगदान दिया। तो आइए हम देखते हैं कि इनका जीवन परिचय क्या था। सरला देवी का जन्म 1872 ईस्वी में बंगाल के एक शानदार परिवार में हुआ था। इनकी माता रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। ये जब शुरू से ही मेधावी थी और चूंकि परिवार का वातावरण पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवादी भावनाओं से भरा हुआ था, इसीलिए ये भी पूरी तरह से राष्ट्रवादी हो गई। जब ये विवाह के योग्य हुई तो इनका विवाह 33 वर्षीय रामभुज दत्ता चौधरी के साथ करवा दिया गया। रामभुज चौधरी पेशे से वकील और पत्रकार थे। वह भी
भारतीय राजनीति में सक्रिय थे, इसीलिए ये दोनों पति पत्नी मिलकर भारतीय राजनीति में हिस्सा लेने लगे। शादी के बाद सरला देवी पंजाब चली गईं। पंजाब जाने के बाद उनके पति राष्ट्रदेव शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के वहां पर संपादक थे। सरला देवी ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसमें अपने लेखों के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जोर दिलाया। उसी समय भारत में रोलर एक्ट आया और जालियांवाला बाग की घटना हुई। जालियांवाला बाग की घटना के बाद हिंदुस्तान पत्र में रामभुज चौधरी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काफ़ी आग उगला था। अपने लेखों के द्वारा सरला देवी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की थी। ब्रिटिश सरकार इससे काफ़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने रामभुज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। यद्यपि वह सरला देवी को भी गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन सरला देवी चूंकि एक महिला थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार उस समय उन्हें गिरफ्तार कर किसी भी तरह की तीखी आलोचना, राजनीतिक आलोचना नहीं कराना चाहती थी। इसके बाद जब गांधी जी लाहौर आए, इस घटना के बाद जब गांधी जी लाहौर आए तो उन्होंने सरला देवी के घर में ही आतिथ्य स्वीकार किया। गांधी जी की भावनाओं से प्रेरित होकर सरला देवी गांधी जी की घनिष्ठ मित्र तो हुई ही, साथ ही उन्होंने वो गांधी जी की अनुयायी भी बन गई। गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने असहयोग आंदोलन में उनका साथ दिया। यद्यपि गांधी जी के सहायता करने से उनके पति और उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि उनके पति अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ थे, परंतु फिर भी इससे उन्हें कोई असर नहीं हुआ और इसके बाद उन्होंने आगे चलकर अपने पुत्र का विवाह गांधी जी की पोती के साथ, राधा के साथ कर दिया। वह फिर वहाँ से बंगाल गई और वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की हुई पत्रिका भारती के संपादन का कार्यभार संभाला। भारती को अपने लेखन और गायन, अपने जो संगीत में जो उनका जो राष्ट्रवादी गीत थे उनका प्रचार प्रसार भारती पत्र के द्वारा उन्होंने बंगाल में किया, जिससे भारती पत्रिका और भी ज़्यादा निखर गई। उन्होंने बंगाल के बुद्धिजीवी वर्गों लेखकों को पूरी तरह से अपने लेखों के द्वारा राष्ट्रवादी भावनाओं से लोगों को अवगत कराने के लिए कहा, जिससे वे सभी सहमत हुए और बंगाल में आज़ादी की लड़ाई की भावना अपनी लेखनी के द्वारा लोगों ने भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके कारण भारती पूरी तरह निखर गई और भारती पत्र का प्रचार प्रसार बंगाल में बहुत तेजी के साथ होने लगा। उसी समय स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल में जोर पकड़ा था। यद्यपि वह शुरुआत में कांग्रेस के साथ थी, परंतु क्रांतिकारियों की तरफ यह शुरू से ही आकर्षित थी। बाद में अपने जीवन के दूसरे शतक में यह क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और क्रांतिकारियों में खासकर युवाओं को उन्होंने शारीरिक क्षमता और साहस के साथ पूरे देश में फैलकर राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाना और आज़ादी की लड़ाई के लिए युवाओं को उकसाने का काम करने को इन्होंने कहा। स्वदेशी वस्तुओं पर ज़्यादा जोर देने के लिए इन्होंने भारत में भारतीय महिलाओं के लिए इन्होंने एक स्वदेशी महिला स्टोर की स्थापना की। इनका मानना था कि यदि
भारत की महिलाएं स्वदेशी वस्तुओं को खरीद कर अपने घर ले जाकर इस्तेमाल करती हैं, तो भारत के पुरुष भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होती हैं, क्योंकि भारत में उस समय स्त्रियों को गृह लक्ष्मी के रूप में देखा जाता था। इसीलिए उन्होंने भारतीय महिलाओं को भारत में स्वदेशी वस्तुओं के लिए के खरीदने के लिए उन्होंने उकसाया। इसके बाद उन्होंने युवाओं के लिए क्लबों की स्थापना की। यद्यपि यह क्लब तो क्रांतिकारियों का एक अड्डा ही था, जो औपचारिक रूप से तो क्लब था, परंतु अनौपचारिक रूप से एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करते थे। इसके बाद वह लाहौर चली गईं। लाहौर जाने के बाद उन्होंने महिलाओं के शिक्षा और उनके उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किए। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर देने के लिए कई छोटे छोटे केंद्रों को बनाया, जिससे महिलाएं घर में रहकर ही शिक्षा को प्राप्त कर सकती थीं। वह महिलाओं के बीच रहकर उनके साथ काम करती थीं। इसी समय उनके साथ काम करने वाली एक महिला के विचारों को उन्होंने विकसित किया और अखिल भारतीय महिला स्त्री महामंडल का निर्माण किया। अखिल भारतीय महिला महामंडल स्त्री महामंडल का निर्माण जो उन्होंने किया था, उसमें समाज में अच्छी से सुधार करने के लिए स्त्रियों के उत्थान में जो उन्होंने कार्य किया था, उसके लिए उन्हें सारी शक्तियों को देते हुए उन्हें इसका सचिव नियुक्त किया गया। इस महामंडल में, स्त्री महामंडल में कोई भी स्त्री किसी भी, जो वह जाति की हो, वर्ग की हो, पंथ की हो या किसी भी पार्टी की हो, वह इसमें स्वेच्छा से इसकी सदस्य बन सकती थी और मानवता के लिए अपने स्वार्थ को छोड़कर इसमें लोगों की सेवा कर सकती थी। इसके बाद इस महामंडल का विस्तार किया गया और यह महामंडल भी आधुनिक और विकसित हो गया। इसकी पहली शाखा कलकत्ता में स्थापित की गई और इसके बाद इसका विस्तार पंजाब और संयुक्त प्रांत में भी किया गया। इस महामंडल में 1 रुपये का शुल्क देकर कोई भी महिला इसकी सदस्य बन सकती थी। इस महामंडल का सबसे बड़ा उद्देश्य स्त्री शिक्षा का था। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया था। इसमें घर में रहकर ही इस महामंडल के द्वारा 3000 महिलाएं शिक्षा पा रही थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में सरला देवी का जो योगदान है, भारत में स्त्रियों के उत्थान के लिए हो या फिर भारत में उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां हो, भारत में उन्होंने अपने गीतों के द्वारा जिस तरह से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए भारत, सोए हुए भारत को उन्होंने अपने गीतों के द्वारा जगाने का काम किया था, अपने लेखों के द्वारा उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी लेखनी के द्वारा किसी भी तरह का उन्होंने कसर नहीं छोड़ी थी। इस तरह सरला देवी, जो हर तरह से एक लेखिका भी थी, एक गीत भी लिखती थी, इसके अलावा वह राजनेता भी थी, उन्होंने समाज सुधार के लिए भी कार्य किए, महिलाओं के लिए भी कार्य किए, जो उन्हें इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में उनके नाम को लिखा जाता है। तो स्टूडेंट, आज ये था सरला देवी पर मेरा लेक्चर। आगे और भी लेक्चर अपलोड करती रहूँगी, कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। आगे के लिए